An Academy. Let's crack it. Hello students, welcome you all to An Academy platform. I am Ankit Sharma, and in this class we are going to solve this question from coordinate geometry, guys, that has been asked in CAT 2018, guys. This is the actual question that has been asked, guys. So let's read the question first, guys. A triangle ABC has an area 32 unit square and its side BC of length 8 unit lies on the line x equal to 4. Then the shortest possible distance between A and the point 0, 0, it means origin, guys, is what? 4 root 2, 2 root 2, 4 unit and 8 unit. So it is a very good question, guys. काफी अच्छा question है, बहुत tough question नहीं है. अगर आपने थोड़ा भी coordinate geometry discuss किया है और basics आपको clear है coordinate geometry के, तो आप काफी easily कर सकते हैं. Now students, ये axis मैंने ली, ये x axis है, ये y axis है, guys. तो सभी को पता है students कि यहाँ अगर points है हमारे 1, 2, guys. ये पॉइंट्स अगर आपको यहां दिख रहे हैं, गाइस, 1, 1, 2, 3, and 4. तो ये इस कोऑर्डिनेट के जो पॉइंट है आपकी, वो है आपका 4, 0. और ये लाइन, पूरी रेड लाइन जो आप देख पा रहे हैं, ये लाइन क्या है आपकी, x इक्वल टू 4, गाइस. तो पहली बात तो स्टूडेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए, x इक्वल टू 4 लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू x एक्सिस और y एक्सिस के ये पैरेलल होने वाली है, ये बात आपको पता होना चाहिए. सिमिलरली x y इक्वल टू 1 की बात करूं, तो वो लाइन कुछ ऐसी जा रही होगी स्टूडेंट्स, ये आपका 0, 1, 0, 2 आपको यहां मिलना है, 0, 3 यहां मिलना है, 0, 4 यहां मिलना है, दैट्स इट. तो मतलब किसी पॉइंट के ऊपर y इक्वल टू आपको 4, सॉरी x इक्वल टू आपको 4 मिल रहा होगा, दैट्स इट. यही लाइन आपकी क्या कहलाएगी बच्चों, x इक्वल टू k विल बी पैरेलल टू y एक्सिस, दैट्स इट. ये बात ध्यान रखनी है, y इक्वल टू k विल बी इक्वल टू पैरेलल टू x एक्सिस. तो x इक्वल टू 4, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि x इक्वल टू 4 लाइन है कहां. तो ग्राफ पेपर पे वो लाइन कुछ ऐसी दिख रही होगी स्टूडेंट्स. अब एक ट्रायंगल आपको दिया है जिसका बीसी जो है इस x इक्वल टू 4 पे लाई कर रहा है, लेकिन आपको निकालना क्या है स्टूडेंट, देन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड द पॉइंट 0, 0. तो आप यहां बोलेंगे स्टूडेंट्स, ये लाइन आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, वही लाइन है x इक्वल टू 4, गाइस, और उसपे ये कुछ बीसी मैंने पॉइंट मान लिया बच्चों, जिसकी लेंथ 8 यूनिट आपको दे रखी है, गाइस. तो ऑब्वियसली बात है, ये डिस्टेंस तो आपकी 4 यूनिट है, गाइस. ओके स्टूडेंट्स, अब जो ट्राइंगल बन रहा है बच्चों, उसका एरिया कितना होना चाहिए सर, वो एरिया होना चाहिए आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल आप सभी को पता है 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट, और इस ट्रायंगल का एरिया भी आपको कितना दे रखा है स्टूडेंट्स, 32 यूनिट स्क्वायर दे रखा है. आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इस ट्रायंगल का एरिया 32 यूनिट स्क्वायर है. क्या आपको इसका बेस पता है बच्चों, अगर बेस आपको पता है तो आप बोलोगे सर ये डिस्टेंस जो होगी इसको आपने परपेंडिकुलर मान लिया गाइस, इस केस के अंदर 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट आपको 32 आना है, मतलब 1/2 इनटू बेस आपका 8 है, हाइट आपकी क्या पता कितनी है, 32 आपको ये यहां मिलता है. तो आपको यही पता पड़ जाता है बच्चों, सॉल्व करने पे 2, 4 अल्टीमेटली हाइट भी आपकी क्या आने वाली है, 8 आने वाली है बच्चों, मतलब यहां से 8 मिनट आपको आगे जाना होगा. लेकिन निकालना क्या है बच्चों, क्या ये आपका जो ओरिजिन है बच्चों 0, 0, इससे ये डिस्टेंस अभी ये आने वाली है, बोलो हाँ या ना. और हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसको कैलकुलेट कर लेना, लेकिन अब ये कहीं भी हो सकता है आपका, ये आपका डायग्राम का ट्रायंगल आपका यहां भी हो सकता था, यहां भी सर कुछ ना कुछ डिस्टेंस आएगी, मतलब इस पॉइंट के बीच, इसको अपने ए मान लिया और इसको ओरिजिन मान लिया, तो एओ की आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है बच्चों. अगर मैं इस ट्रायंगल को मूव करूं, मतलब ये ट्रायंगल अभी यहां है, अगर ये ट्रायंगल का बेस बीसी अगर यहां हो या बीसी अगर यहां हो, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब आने वाली है बच्चों, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब आने वाली है, बच्चे बोलेंगे सर बच्चों क्या इस केस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगी, बच्चे बोलेंगे सर इस केस में पहले से तो कम डिस्टेंस आएगी सर, लेकिन शॉर्टेस्ट तो नहीं होगी, शॉर्टेस्ट कब आ पाएगी सर, अभी डिस्टेंस हम देख पा रहे हैं सर, ओरिजिन और ए पॉइंट के बीच में ये डिस्टेंस रही होगी. अगली बात अगर की जाए बच्चों, अगर अगली बात की जाए तो ये आपको मिल रही है बच्चों, ये पॉइंट आपका इसी एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा होगा, उस केस में ये लेंथ आपकी शॉर्टेस्ट रह जाएगी, अरे बोलो हाँ या ना. अरे एओ की अगर बात करें तो एओ शॉर्टेस्ट कब होगा बच्चों,
जब ए वर्टेक्स जो है बच्चों, ए वर्टेक्स जो है वो एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहा होगा, इसके ऊपर नीचे होगा, तो ओए की बड़ी लेंथ आ गई होगी, शॉर्टेस्ट लेंथ आपको ओए की तब मिलने वाली है जब वर्टेक्स ए इज लाइंग ऑन एक्स एक्सिस। तो ये लाइन आपकी एट है बेटा, ये लाइन भी आपकी एट ही बनने वाली है। उन्होंने हाइट निकाला है ना, मतलब अगर इस पॉइंट को आप बीसी मान लें, एडी इक्वल टू हाइट, और वो हमने बोल दिया बच्चों कि वो कितनी एट है। अगर बच्चों ये एक्स इक्वल टू फोर लाइन थी, इसका मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस 4 यूनिट थी। सर यहां से यहां तक की डिस्टेंस 4 यूनिट है, ये पूरी 8 यूनिट है, हम कैलकुलेट ऑलरेडी कर चुके हैं। मतलब एडी इक्वल टू आपको 8 पता है, ओबी इक्वल टू आपको, सॉरी ओडी इक्वल टू आपको 4 पता है, तो क्या एओ इक्वल टू एडी माइनस ओडी होगा? बच्चे बोलेंगे 8 माइनस 4 इक्वल टू 4 लिखा जाए, अगला क्वेश्चन किया जाएगा। बहुत साधारण क्वेश्चन था, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन। ऑप्शन सी 4 यूनिट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइस। 2018 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन आपको पूछा गया था स्टूडेंट्स। तो आप किसी भी टॉपिक को स्किप ना करें गाइस, सभी के बेसिक कॉन्सेप्ट तो आप एटलीस्ट कवर रखें गाइस। यू नेवर नो कि किस टॉपिक से बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ओके स्टूडेंट्स, सो वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद सम मोर अमेजिंग क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस। अन अकेडमी, लेट्स क्रैक इट।